कि हमें पता है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं और काफी टाइम से संघर्ष कर रही हैं, इसका कारण जान सकते हैं कि इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करने में और इस समाज में आने में ऐसी कौन सी बात थी जिसको आपको यहाँ तक लाने में उसने सहयोग दिया या यहाँ तक आना पड़ा डिफरेंट फील्ड में अपना कैलिबर शो करने के लिए डायरेक्टली डायरेक्टली? देखिए, मैं वैसे एक हाउसवाइफ हूँ शुरू से। 1995 में जो है 17 मार्च को मेरे बेटे का मर्डर हो गया, जो बड़े छोटे 9th क्लास के बच्चों ने किया। उस वक्त जो मैंने समाज में देखा और समझा कि क्या है, क्योंकि हमारे परिवार एक तो बहुत छोटे हैं, टूटे हुए परिवार हैं, सब जॉब के लिए बाहर होते हैं, बड़ा छोटा सा परिवार था, 3 बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ। मर्डर करने वालों में 5 परिवार थे, उन 5 परिवार के अलग अलग बच्चे थे, वकील 5 थे मेरी तरफ। उस समय मैंने ये महसूस किया कि समाज के अंदर ये लड़ाई लड़ना मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे, लड़ाई के लिए पैसा भी चाहिए था, और जिसके बेटे के साथ हादसा हो जाता है, आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि एक पिता टूट चुका होता है, जिसमें मैंने बड़ा सफर किया, मेरे इंडस्ट्री भी थी उस टाइम, जिसमें लाखों का मैंने नुकसान भी उठाया। उस वक्त मुझे लगा कि जिंदगी में अगर अपनी लड़ाई लड़नी है और मैंने स्टैंड होना है तो मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा इस समाज में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि मुझे काफी धमकियां भी आती रही, लोगों ने काफी डराया भी, बड़ा कहा छोटा सा परिवार है, थोड़े दिन के अंदर भाग जाएंगे और किसी को ये कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि 14 दिन बाद मुझे पता चला इनकी जमानतें भी होने वाली हैं। ये सारे हालात देखते हुए मैं समाज के अंदर आ जाई, जबकि हमारी फैमिली के अंदर महिलाएं समाज में ये आज पुलिस चौकी, आज कोर्ट, आज कचहरी नहीं जाया करती। लेकिन इससे मैंने ये सबक लिया कि समाज में आने से आदमी बहुत कुछ सीखता है, और टूटते हुए परिवारों में महिला को खड़ा होना आज बहुत जरूरी हो गया है। इस लड़ाई को आपने आगे कैसे बढ़ाया? पहले तो मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़के मैंने उन बच्चों को 20 साल की लाइफ पनिशमेंट, 5 साल ऐसे चलाने में 25 ईयर्स की मैंने उनको सजा कराई, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। इस लड़ाई के बीच में मैंने इतना कुछ देखा कि मेरे खुद के वकील जो बिकते रहे, किस तरीके से गवाह खरीदे बेचे जाते हैं, लड़ाई लड़ने वाले को कोई नॉलेज नहीं होती, उसको कोई ये नहीं पता होता कि मेरा राइट्स क्या है। जब तक हमें अपने राइट्स नहीं पता होते हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मैंने समाज में निकल के सीखी और सारी जानकारी ली कि किस तरीके से हम इस लड़ाई को मैं लड़ सकती हूँ। यहां तक कि मैंने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में मैंने ये देखा कि अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। नहीं, जानकारी के बाद ये आप अपनी लड़ाई जीती, यह आपके लिए बहुत कठिन दौर था और उस कठिन दौर से अब आप उभर चुके हैं, तो आप अपनी लड़ाई लड़ने के बाद अब आप समाज की लड़ाई लड़ने के लिए निकली हैं, ऐसा कुछ इरादा है या इरादा क्या? निकली ही नहीं हूँ, मैं 10-15 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरे पास अगर रात के 12 बजे भी कोई आता है और वो सचमुच मतलब प्रॉब्लम में है, चाहे कोई महिला है, आजकल इतनी ज्यादा बलात्कार केस हो रहे हैं, उनका मर्डर कर दिया जाता है, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, वो लोग मेरे पास आते हैं, मुजरिम अरेस्ट नहीं होते, उनको ये नहीं मालूम मेरे हमारे पास पैसा नहीं है तो कोर्ट से हमें फ्री वकील मिल सकता है, उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारे हम लड़ाई कैसे कर सकते हैं, हमें मीडिया में कैसे आना है, किस तरीके से हम अपने को सामने लाए समाज के कि जिससे हमारा कोई काम हो सके। इन 5-7 सालों में आप झटके में कुछ उदाहरण आप ले सकें, कितने लोग, किस तरह के लोगों का आपने झटके में आपने मदद किया? मुझे तो अब याद भी नहीं है मैंने इतने अनगिनत लोगों की मदद की है,
क्योंकि जो मेरा सिर्फ शुरू से ये है कि जो सफरन है वो मेरे पास आता है, उसको उस केस से निकाल के उसका पूरा कंप्लीट करा के उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे पास आने वाले इतने हैं कि मुझे तो अब यही नहीं समझ में आता कि दिन कब हुआ रात कब, इतने लोग आते हैं मेरे पास। राजनीति में आने का मन आपने कैसे बनाया? मेरी खुद की अपनी सामने की रोड जो कि मेन हाईवे बना जाता है वही इतनी ज्यादा खराब थी, टूटी फूटी थी कि हमारे यहाँ पे बरसातों में झील बन जाती थी। हमने बहुत कोशिश की जो हमारे एरिया के पार्षद हैं या MCF में जाके भी सबसे कि भाई हमें रोड चाहिए, हमें पानी की इतनी ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, कई कई दिन यहाँ पानी नहीं आ रहा था, रात को लेडीज को उठ के 12-12 एक एक बजे पानी भरना पड़ रहा था, बिजली की यहाँ बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं समाज में काम करती हूँ। ये बताएं आप, इस समय सबसे हाई प्रोफाइल जो घटना रही नीलम कटारा को लेकर, आप नीलम कटारा के तर्ज पर आपने अपनी लड़ाई लड़ा, ऐसा कुछ महसूस करती हैं? देखिए मेरे साथ हादसा पहले हुआ था, नीलम कटारिया के से का हादसा बाद में हुआ जे। तो उनके मेरे पास फोन आते रहे जे। मैंने उन्हें इतना हौसला दिया कि चाहे कितनी बड़ी पॉलिटिशियन हो, कितनी बड़ी पार्टी आपके सामने हो, आपका बेटा है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि आज हमारे समाज में क्या है, लोगों के दिमाग में ये है कि कोई मर्डर हो गया, किसी का बच्चा चला गया, आपके टेबल के ऊपर रुपए ला के रख दिए जाते हैं, आपको डरा दिया जाता है कि आपके साथ ये कर देंगे, आपके बच्चे के साथ ये कर देंगे। नीलम कटारा के साथ मीडिया एक्सपोजर रहा, आप खुद को, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप अपने बच्चे के जाने के बाद आपने समाज के को ही, लोगों को, साधारण बच्चे को, साधारण लोगों की समस्याओं को ही आप अपने अपनी समस्या बना लिया, तो अब क्या आपको ये नहीं लगता आपको मीडिया एक्सपोजर इतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए, जितना आप जैसे बता रहे हैं नीलम कटारा को के आपके पास फोन आते रहे, तो इस तरह आपको मीडिया एक्सपोजर नहीं मिल पाया? नहीं, ऐसा नहीं था, उस वक्त बहुत मिला, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि मैं एक हूँ, समस्या हजारों लोगों की है, तो मैं हर जगह हर एक के पास नहीं जा सकती। मेरा तो एक ये होता है कि मेरे पास फोन आया नीलम कटारिया का, उसने मुझसे कोई भी डिसीजन लिया कैसे भी लिया कि क्या करना है क्या नहीं जाना है, तो मैंने उनको दिया। एक बार मैं उनसे एक दो बार मिलने भी गई, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि मैं हर समय नहीं जा सकती किसी के पास, तो फोन से हमारी बात होती थी। जैसी का कांड हुआ है उसकी सिस्टर की मेरे से बात होती थी कि किस किस तरीके से कहां हमने ये सब करना है। यहाँ पे फरीदाबाद में बहुत कांड हुए हैं, सारे मेरे पास आते रहे हैं। किसी राजनीतिक दल ने कभी आपको इतना अच्छा काम करने के लिए आपको टिकट देने या प्रोत्साहित करने या इस तरह से आपको पार्लियामेंट असेंबली के टिकट देने के लिए आपको कभी ऑफर किया, इस तरह से आपके पास कुछ प्रस्ताव आया कि आपको, आप अगर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विकास के लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो कभी आपके पास ये प्रस्ताव आया? हाँ, मेरे पास लोगों के प्रस्ताव आए, अब भी मेरे पास कई पार्टियों के प्रस्ताव आए कि आप मेरे से आप चुनाव छीन ले लीजिए, लेकिन मैं किसी भी पार्टी का चुनाव छीनने अभी नहीं ले, मैं लेना नहीं चाहती। जो ये हमें प्रॉब्लम है, हमारी सड़कें बन जाए या लोग जो इतने दुखी हो रहे भाग रहे, मैं खुद मैंने अपनी सड़क अपने आप जाके बनवाई है। मतलब आप अकेला चना भार नहीं फोड़ता है कि कहावत को आप झुठलाना चाहती हैं, बिल्कुल, और अकेले आप तोड़ने के लिए निकल पड़ी हैं आप इस मुहावरे को क्या? देखिए मेरी सोच एक चीज है, अगर जिस इंसान को काम करना है उसे कोई रोक नहीं सकता। नीरा जी, महिलाओं के दरवाजे बंद हैं लाख कोशिशों के बावजूद, आपको इतनी झंझावातों के बाद क्या ये कभी ये नहीं लगा कि महिला होना आपके लिए अभिशाप है, आपके लिए मुसीबत है, समस्या है? देखिए मुझे कभी नहीं लगा कि महिला होना अभिशाप है, मुझे तो बल्कि ऐसा महसूस हुआ कि महिला होना एक बहुत बड़ी ताकत है, अगर महिला ये अपने को पहचान कर ले, उसके अंदर बहुत शक्ति है, अगर वो समाज में निकल के बाहर आए अपने को, मुझे आप कहते हैं सामना। देखिए मेरे को अपने परिवार से तो बहुत हेल्प मिली, मेरे हस्बैंड ने हर जगह मेरा साथ दिया, आज मैं ये समाज में काम कर रही हूँ तो किसी दम पे अपने घर और परिवार की ताकत पे कर रही हूँ। मैंने बच्चों को भी बहुत, उनको भी मतलब अच्छे ऊंचे लेवल पे उनको शिक्षा दिलवाई, हस्बैंड भी हर तरीके से मैंने मतलब परिवार को संभाला सबसे पहले, उसके बाद समाज में आई, एक छोटा सा परिवार होने के नाते हम समाज के अंदर, मैं बाहर आके मैंने काम किया, बहुत से लोगों ने मेरे को, मॉरल भी मेरा डाउन करने की बहुत कोशिश की, मुझे डराया भी, धमकाया भी गया, जब ये हमारे हालात थे
जब उन्होंने देखा कि ये लेडी इन चीजों से नहीं डर रही, मैंने खुलेआम एक चैलेंज दिया था भरी कोर्ट के अंदर। मैंने ये कहा था या तो मैं इस केस को जीत जाऊंगी, नहीं तो मैं सबसे मतलब मैं केस लड़ूंगी तो मैं या तो जीत जाऊंगी, और अगर मैं सजा नहीं करा सकी तो मैं खुलेआम गोली मार दूंगी, और अगर मैं ये नहीं कर सकी तो मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन मुझे जीत के आना जरूर है इस समाज के अंदर। ये मेरा उस वक्त खुला चैलेंज था उन लड़कों के लिए।